देश मेरा काफी रंगीला है। जी हाँ, मिट्टी की खुशबू, गंगा की लहर, हिमालय का गठबंधन और रंगों का संगम, ये है अपना भारत। जय हिंद दोस्तों, आज के खास दिन पर हम अपनी माँ भारत के वीर सपूतों को याद करते हैं जिन्होंने अपने खून से इस मिट्टी को सींचा है। ये भारत सिर्फ एक देश नहीं है, एक एहसास है, एक गीत है जो हर दिल में बसा हुआ है। भारत एक नाम, एक शब्द, एक परिचय जो दुनिया के हर कोनों में सुना जाता है। भारत जहां की धरती से वेदों और उपनिषदों की आवाज गूंजती है, यह वही देश है जहां अहिंसा के पथ प्रदान हुए हैं, जहां से दुनिया ने शांति और सत्य का संदेश पाया है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, खुद वो बदलाव बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो, और हमारी भारत मां ने हमें हमेशा इस संदेश को अपनाया है। भारत के इतिहास से कुछ हम सीख जरूर लेते हैं। इसे बात करेंगे, आजादी का मतलब सिर्फ स्वतंत्रता नहीं बल्कि अपनी जमीर, अपने संस्कार और अपनी पहचान को बनाए रखना है। हमारे वीरों ने अपनी जान देकर इस आजादी को हमें दिलाया है, जिसे हम आज अपनी सीने से महसूस करते हैं। सीखते हैं कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं और देशभक्ति से बड़ा कोई कर्म नहीं। भारत ने अपनी राह में हर कदम पर सफलता के झंडे गाड़े हैं। हमने अपने पहलुओं में चंद्रयान, मंगलयान से आसमान को छुआ है। हमारे योग और आयुर्वेद से दुनिया को स्वास्थ्य का संदेश दिया है। और खिलाड़ियों ने ओलंपिक में मेडल भी काफी जीता है, और इससे भारत का नाम रोशन भी हुआ है। भारत जो आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन पूरी दुनिया में कर रहा है। हमारी भारत माँ कितनी रंगीन है, हर प्रदेश में, हर गली में हर नई कहानी मिलती है। हमारे रंग बिरंगे त्योहार, दिवाली से होली तक, ईद से क्रिसमस तक, सबको एक सूत्र में बांध के रखते हैं। हमारी भाषाओं का वैभव, जहां हर कोना अपनी खुद की बोली में गुनगुनाता है, सभी को एकता में बांध कर रखता है। भारत की संस्कृति अपने ही रूप में काफी अनोखी है। कथक से भरतनाट्यम तक, हिंदुस्तान से कर्नाटक संगीत तक, कलाएं जिन्होंने दुनिया को अपने रंगों में रंग दिया है। हमारी कला, हमारा संगीत, हमारी संस्कृति, ये सब भारत की अपनी ही विरासत है। भारत की ताकत उसके लोगों में है। किसान जो उसने पसीने से जमीन को सींचा है, सैनिक जो अपनी जान देकर सीमाओं की रक्षा करता है, वैज्ञानिक जो अपने दिमाग से नए नए आविष्कार करते हैं, और हमारे छात्र, हमारे विद्यार्थी जो कि आप हो, भारत के भविष्य की आशा है। ये सब आप सब भारत के वीर हो, भारत के हीरो हो। भारत ने दुनिया को क्या दिया है, चलिए बात करते हैं। भारत ने दुनिया को शांति का मार्ग, योग का ज्ञान और अहिंसा का संदेश, ये सब दिया है। भारत ने हमेशा विश्व को शांति, प्यार और सम्मान का पाठ पढ़ाया है। विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये संदेश भारत का है जो हमेशा दुनिया को एक राह दिखाता हुआ आया है। भारत के युवा यानी तुम सब लोग भारत का भविष्य हो। तुमसे ही भारत को नई दिशा मिलेगी। इतिहास के पन्नों से सीखो, लेकिन अपने सपनों को पंखों से उड़ाओ। आज के आप स्टूडेंट्स, विद्यार्थी या छात्र, आप भारत के नए कल के कलाकार हो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा जुनून, तुम्हारी सोच ही भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। देश की सीमाओं से लेकर उसकी अभिरमता तक भारत का युवा देश के हर कोने में अपनी पहचान बना रहा है। हर विद्यार्थी के पास अपने देश को कुछ देने का डेफिनेटली अवसर है। ये मिट्टी तुम्हारी है, ये मिट्टी में अपने सपने बो और भारत को एक नई उड़ान पे ले जाओ। ये तिरंगा, हम इसकी बात काफी कर रहे हैं, ये हमारा तिरंगा, इस तिरंगे का मान रखो, इसके सपनों को सच करो। भारत में एकता की शक्ति है, विविधता में सुंदरता है, और अपनी संस्कृति में, अपनी माँ भारत में, अपनी भारत माँ में हमारी पहचान है। तो आओ इस स्वतंत्रता दिवस पर अपने देश की पहचान बनाए और इसे काफी मशहूर करें। जय हिंद, भारत माता की जय।